अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे और TikTok पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि TikTok से आप किस तरह अर्निंग शुरू कर सकते हैं मलेशिया में रह के। तो मैंने 5 उसमें तरीके बताए थे कि किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। एक तरीका जिस पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उसको पूछा है, उसका तरीक़ेकार मैंने बताया था, लेकिन उसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वो तरीका ये था कि TikTok से मलेशिया में रह के अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 से ज़्यादा हैं या 1000 हैं, तो आप किस तरह एफिलिएट प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं किसी शॉप के साथ, किसी शॉपकीपर के साथ आप कलेबरेट कर सकते हैं, उसकी चीज़ें अपने शोकेस में ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने की हुई हैं। मेरे 2 एफिलिएट शोकेस हैं, ये मेरी एक दूसरी आईडी है, तो इस पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। तो इसमें मैंने एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है। बहुत इजी होता है, अगर आप मलेशिया में हैं, मलेशिया की लोकेशन एक्टिव है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम आ जाएगा। आपने जस्ट उसको सब्सक्राइब करना है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, आपका पासपोर्ट है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका TikTok अकाउंट होना चाहिए, आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन दें, आपकी जो शॉप है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट आपका खुद का या किसी दोस्त का आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि जो TikTok से अर्निंग होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। इनकम जो आती है उसके 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक हर बुध वाले दिन वेनसडे को ऑटोमेटिकली आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है, या आप मैनुअली भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अच्छा, अभी आप आते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं या आपका इसमें फोकस क्या होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी आईडी आपको नज़र आ रही है, ये मेरा शूकेस है, ये सेकंड नंबर पे, लेफ्ट से सेकंड नंबर पे मेरा शूकेस है। आगे मेरी प्राइवेट वीडियोस हैं, आगे जो मैं शेयर करता हूँ, उससे आगे जो मैं सेव करता हूँ वीडियोज़, उससे आगे जो मैं वीडियो लाइक करता हूँ, ये सेकेंड नंबर पर मेरे पास ऑप्शन है मेरे शूकेस का। ये आपको मेरा शूकेस नज़र आ रहा होगा, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं अपने, मतलब आप रिलेटेड चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को देखते हुए आप उस हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपके फॉलोअर्स को क्या पसंद है, तो मैंने उस हिसाब से अपने शोकेस में चीज़ें बहुत सारी ऐड की हुई हैं। तो अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बेनिफिट आपको क्या होता है। ये आपको TikTok शॉप क्रिएटर सेंटर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आगे आपके सामने TikTok शॉप क्रिएटर सेंटर ओपन हो जाएगा ना। तो अभी तक जो सुबह से अभी तक मेरे जो व्यूज़ आए हैं, मेरे प्रोडक्ट के व्यूज़ आए हैं, क्योंकि मैं दूसरी वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूं, जो मेरे शॉप के हवाले से वीडियोस थी उस पे व्यूज़ आए हैं, वो 75 व्यूज़ आए हैं। उसके बाद ये नीचे आपको और मज़ीद ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, एड प्रोडक्ट के हवाले से आ जाता है, मैनेज शोकेस के हवाले से आ जाता है, अर्निंग, मैनेज सैम्पल्स, अच्छा कलेबरेशन इनवाइट्स, जो लोग आपको इनवाइट करते हैं कलेबरेट करने के लिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं लेकिन मैं अपने हिसाब से चूज़ करता हूँ। ये देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा इनवाइट्स आती हैं, तो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे को क्या अच्छी लगती है, मेरे फॉलोअर्स को क्या चीज़ें अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको इन्वाइट्स आती हैं अगर आपके पास कुछ थोड़े फॉलोअर्स हैं तो। अच्छा, उसके बाद आगे आप लाइव भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट के हवाले से कंपेन भी चला सकते हैं, वीडियो भी आप बना सकते हैं, डू इट वगैरह भी कर सकते हैं, लाइव गिव अवे भी कर सकते हैं, एकेडमी है, आपको सिखाया जाता है इसमें। तो अभी मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ अपने शोकेस में ऐड करनी है, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन लेफ्ट से दबाएंगे, प्रोडक्ट मार्केट प्लेस। जब आप इसमें आते हैं तो आगे आपके सामने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं, आप पर्सनली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर सर्च का आइकन दबा के आप इसमें चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, आपके फॉलोअर्स को अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पे यह भी कीबोर्ड आपको सामने नज़र आ रहा होगा, तो ये 6 रिंगिट का है, आगे इसकी जो अर्निंग होगी, आपको जो कमीशन बेस मिलेगा वो 41 सेंट होगा। ये डिफरेंट होता है, हर शॉपकीपर ख़ुद से डिसाइड करता है कि उसकी कितनी परसेंटेज अफेलिएट प्रोग्राम के तहत जाएगी। तो अभी आगे आते हैं, ये देखिए ये एक मशीन है, हेयर ट्रिमर है, ये इसकी जो कीमत है 45 रिंगिट है, इसका जो कमीशन मिलेगा वो 2.30 रिंगिट मिलेगा। उसके बाद आप इसको फ्री सैंपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जैसे फ्री सैंपल साथ में लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने फ्री सैंपल लेना है तो
तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गेट फ्री सैंपल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे मॉडल पूछ रहा है कि कौन सा मॉडल मैंने लेना है। मिसाल के तौर पे मैं फ़र्स्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट फ्री सैंपल करता हूँ, आगे से मेरा ये एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, आगे उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि अगर आप फ्री सैंपल एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वीडियो बनानी पड़ेगी और उस पर लाइव भी जाना पड़ेगा अगर आप जा सकते हैं तो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि ठीक है, मैं वीडियो भी बनाऊँगा और मैं लाइव भी, अगर मेरी ख्वाहिश हुई जाने की तो मैं जाऊँगा। तो आप आगे आप सबमिट एंड ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट आपके शोकेस में ऐड हो जाएगी। इधर नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा एडेड टू शोकेस, आपके शोकेस में नज़र ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस हिसाब से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपके फॉलोअर्स में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही है, उस हवाले से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम पीछे आते हैं तो फिर अर्निंग आ जाती है। ये देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये सिर्फ इसी महीने के ऑर्डर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये मुख्तलिफ ऑर्डर आपको आते हैं उसके साथ आपको कमीशन बेस मिलता है, कितना कमीशन है, कितना मिलता है, जो सेटल्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं उस हवाले से जो सेटल हो चुके हैं, जो एलिजिबल होते हैं मतलब लोग ऑर्डर करके कैंसिल कर देते हैं, ये उस हवाले से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें ये देखें, मिसाल के तौर पर ये एक एयरबड्स हैं, 70 रिंगिट इनकी प्राइस है और साथ में इसका जो कमीशन था वो 7 रिंगिट था। मुफ्त हो सकते हैं उस हिसाब से, आप अगर शॉप अपनी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। फ्री में है, डेली में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट इस पर स्पेंड करने होते हैं। टिकटॉक तो हर कोई वैसे भी यूज़ करता है, मुख्तलिफ वीडियोज़ गाने देखते रहते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप इस पर टाइम दे सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको जो टाइम है इंशाल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर हो सके चैनल आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।